कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड इलेक्शन में मिली कामयाबी के बाद हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब के लिए ग्रैंड वेलकम रैली हुई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शिरकत कर जश्न मनाते नजर आए हैं। वक्फ बोर्ड इलेक्शन रिजल्ट के बाद सैयद अली अल हुसैनी साहब फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु से हैदराबाद आए और हैदराबाद से गुलबर्गा के लिए कार के जरिए रवाना हुए, जिसमें हजारों लोग कई जगहों पर इन्हें रोक कर तहनियत पेश कर मुबारकबाद देते हुए जश्न मनाए हैं। हुमनाबाद से लेकर गुलबर्गा तक कई जगह हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब के लिए तहनियती प्रोग्राम रखे गए थे, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम हुमनाबाद में हुआ है। हुमनाबाद में कई लोग जमा होकर साहब को तहनियत पेश करते हुए वक्फ बोर्ड मेंबर इलेक्ट होने की खुशी में जश्न मनाए हैं। और हुमनाबाद के बाद कमलापुर, महागांव और कपनोरा में ग्रैंड वेलकम किया गया और तहनियत पेश कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया है। फिर गुलबर्गा में इंटर होते ही हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड पर वेलकम किया गया और वहां से नागरेश्वर स्कूल के पास हजारों लोग जमा हुए और ग्रैंड वेलकम किया गया, जिसमें आप फूलों की बारिश देख सकते हैं। नागरेश्वर स्कूल से मुस्लिम चौक, मुस्लिम चौक से मकबरा और वहां से जलालवाड़ी पर ग्रैंड वेलकम किया गया है, जहां आतिशबाजी का मंजर आप यहां देख सकते हैं। और फिर जलालवाड़ी से निकलकर ख्वाजा बंदनवाज दरगाह के सामने हजारों लोगों ने साहब का वेलकम किया और कई बड़े फूल के साथ स्वागत किया गया है। आपको बता दूं, ये इलेक्शन काफी टफ इलेक्शन था और पूरे कर्नाटक की नजर इस इलेक्शन पर टिकी हुई थी। हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब के चाहने वालों ने कहा, साहब को हराने के लिए कई बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई थी, जिसके बावजूद अली अल हुसैनी साहब के लिए मुतवल्लियों ने अपनी ताकत बताई और साहब को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाकर गुलबर्गा शहर को एक बड़ा तोहफा दिया है। ख्वाजा बंदनवाज दरगाह को विजिट कर सैयद अली अल हुसैनी साहब ने सबसे पहले दरगाह की जियारत की और साथ ही हाल ही में विसाल कर गए मरहूम हजरत डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब की मजार की भी जियारत की है। और आखिर में मीडिया से बात करते हुए साहब ने इनको वोट कर जिताने के लिए मुतवल्लियों का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही ग्रैंड वेलकम रैली में शिरकत करने वाले सभी चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा किया गया है। इस मौके पर सैयद अली अल हुसैनी साहब ने मीडिया के जरिए कई मौजू पर बात की और साथ ही वक्फ बोर्ड के तहफ्फुज़ के लिए काम करने का भरोसा दिलाया है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें।